नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला नैनपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत मानेगांव में चल रहे ब्रह्म पुराण ज्ञान यज्ञ पाठ में श्रवण करने पहुंचे मंडला विधायक देव सिंह सयाम जी के साथ ही भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश मंत्री राजेश पटेल। ग्राम पंचायत मानेगांव में ब्रह्म पुराण ज्ञान यज्ञ पाठ का शुभारंभ 17 जनवरी 2022 से आरम्भ हुआ है, जिसमें 23 जनवरी 2022 को मंडला विधायक देव सिंह सयाम जी खैरमाई माता मंदिर प्रांगण में पहुंचकर सभी भक्तजनों से कोविड महागंभीर बीमारी से और तीसरी लहर से बचाव के लिए लोगों को कोविड-19 का पालन करने के लिए मास्क एवं सैनिटाइजर साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निवेदित किया गया। साथ ही उन्होंने मानव सेवा धर्म और स्वस्थ काया इसके लिए भी सभी भक्तजनों से अपील की कि सबसे पहले निरोग काया होना इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारे पास किसी भी रूप से हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोविड-19 में अपने और साथ ही सभी देश प्रदेश गांव स्तर तक एक दूसरे से कोविड-19 की लहर आने से पहले हमें सचेत होकर एक दूसरे के साथ मिलकर इस गंभीर बीमारी को गांव तक पहुंचने से रोकना होगा। इसके लिए हमें अपने आप में स्वयं भी सतर्क रहकर लोगों को भी सभी शासन के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना जरूरी होगा। साथ ही भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा समाज सेवी राजेश पटेल ने भी भागवत ज्ञान यज्ञ पाठ पर 5100 की राशि साथ ही फल प्रसाद इत्यादि दान स्वरूप प्रदान किया। ग्राम पंचायत मानेगांव के खैरमाई माता प्रांगण मंदिर में इस क्षेत्र में सबसे बड़े आयोजन के लिए धर्म जागरण समिति के तत्वाधान में यहां पर विगत वर्षों से लगातार पुराण का आयोजन किया जा रहा है। आपका नाम बताइए। तिलक राम यादव जी, यहाँ पे आज जो खैरमाई माता प्रांगण में ब्रह्म पुराण जो दिव्य आयोजन चल रहा है, इसमें आपके द्वारा जो है कितनी जमीन दान की गई है? 5 फीट। 5 फीट जमीन जो मंदिर से लगी हुई पीछे वाली जमीन क्या नई जमीन है? हाँ, पीछे वाली। चलिए ठीक है, तो आपने ये मन में कैसे संकल्प बनाया कि आपको जो है जमीन मंदिर दान करना चाहिए माता जी के मंदिर में आते हैं यहाँ पे, तो आप हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमेशा ही से ही मानेगांव के इस क्षेत्र में माता रानी के प्रांगण पे बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो यहाँ पे भूमि और अन्य भी चीज़ें को दान में देते हैं। ये तो माता रानी का प्रभाव है और उनका आशीर्वाद है, उनकी महिमा है जो लोगों को दान करने के लिए प्रेरित करती है। आज मानेगांव के पूरे ग्रामवासियों के द्वारा धर्म जागरण समिति के द्वारा ये आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष पुराण का, और उसके अलावा समिति का उद्देश्य ये भी है कि समाज को जागरूक करना, इसी उद्देश्य के तहत और यहाँ पर शासकीय भवन बनाया जा रहा है और समिति की तरफ से मंच बनाया जा रहा है। उसी मंच के लिए तिलक राम यादव की जी के द्वारा और लगभग कहना चाहिए कि 50 मीटर लंबाई में 5 फीट जगह उनके द्वारा दान की गई, जो मतलब पुराण समिति के पुराण मंच के समक्ष इनके द्वारा संकल्प लिया गया। और जी को जमीन दान देने पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है और हमारे गांव की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई है, जो ग्राम के और भविष्य के बारे में उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, हम उन्हें निश्चित ही बधाई देना चाहेंगे। क्या लगता है समाज में ऐसे लोगों के निरंतर आगे आने से क्षेत्र और ग्राम का विकास सुनिश्चित है? बिल्कुल सुनिश्चित है, आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है और अन्य जो आयोजन होने के लिए करने के लिए जो जगह है, कहना चाहिए कि हमारे पास में पर्याप्त है अभी, और उसी तारतम्य में उसी कड़ी में यह भी जुड़ गया।